तो डेयर स्टूडेंट आज की यह वीडियो बी बे ए बी एस सी बी कॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जिसको हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता बोलते हैं ये आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है ये इस मतलब ये जो पेपर होता है एम सी यू पैटर्न पर होता है मतलब कि सभी प्रश्न बहुवी गल आते हैं जो सही होता है उसे आपको टिक करना होता है ये आपको हर सेमेस्टर में मतलब कि एक को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फूड न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आएंगे ठीक है और इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं तो बिना देरी के वीडियो को, को शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन और उसके उत्तर बताते हैं ठीक है और कुछ छात्र कन्फ्यूज हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे कि आपका है जो भाई बीए में गए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको हिंदी का पेपर देना पड़ेगा जो भी आपका सब्जेक्ट हो हिंदी हो सोशोलॉजी हो इंग्लिश हो पोलिटिकल साइंस हो तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं ठीक है उसमें एक आप लोगों को को कोकरिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होती है ये मेरेटरी होता है अगर आप परीक्षा ये नहीं देंगे तो आप फेल माने जाएंगे ठीक है तो ये ज़रूरी होता है तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व तो नहीं है इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे तो इसमें आहार का मतलब आप लोग समझते हैं भोजन खाना ठीक है इसको आयोजन मतलब प्लान करने को प्लानिंग करने को प्रभावित करने वाला जो एक तत्व तो है वो इनमें से नहीं है वो कौन सा है तो इसमें से जो एक तत्व नहीं है उसका नाम बताना वो अध्ययन ठीक है अध्ययन जो है वो आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है बाकी सभी हैं सही जवाब अध्ययन होगा ठीक है क्योंकि लिंग का मतलब कि मेल फीमेल आयु का मतलब उम्र रुचि का मतलब आप लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट ठीक है कि आपकी का किस चीज़ में इंटरेस्ट है आप कौन से लिंग है मेल है फीमेल है उम्र क्या है तो ये सभी जो तत्व हैं ये प्रभावित करने वाले हैं लेकिन जो एक नहीं वो अध्ययन है ठीक मतलब किसी के बारे में जानना सीखना अगला प्रश्न है कि आहार आयोजन के समय निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए तो अगर आप आहार आयोजन कर रहे हैं यानी कि खाना खा ठीक है खाना का आयोजन कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं तो आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये ध्यान रखना है कि घर पे या फिर जहाँ पर भी आप खाना बना रहे हैं उसमें किस आयु के रोग लोग हैं मतलब कि किस उम्र के लोग हैं बच्चे हैं बूढ़े हैं या फिर अडल्ट हैं यानी कि मतलब कि नौजवान हैं किस टाइप के लिंग कौन सा मेल है फीमेल है परिवार में जो सदस्य हैं उनका इंटरेस्ट क्या है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आहार आयोजन के समय ठीक है क्योंकि अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे तो पता चलेगा कि भाई बच्चे छोटे छोटे हैं और आपने खाना बड़े लोगों के हिसाब से बना दिया तो वो बेकार जाएगा और परिवार के सदस्य की कुछ रुचियाँ जो होती इंटरेस्ट भी जानना जरूरी है पता चले जो आप भोजन तैयार करें आयोजन करें उसका वो पता चले किसी को पसंद नहीं हो तो इन सभी बातों का ध्यान रखना जा रखा जाता है इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा इनमें से सभी या फिर ये सभी अगला प्रश्न है कि आहार आयोजन करना एक क्या है तो आहार आयोजन करना एक कला है आ नंबर सही जवाब होगा यानी कि ए नंबर ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है कि आहार आयोजन द्वारा अपने आहार को बनाया जा सकता है क्या तो भैया पौष्टिक भी बनाया जा सकता है आहार को स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है विभिन्न तरीके से बनाया जा सकता है इसलिए इसका सही जवाब इनमें से सभी हो जाए क्योंकि तो आहार नियोजन जो है ठीक है नियोजन द्वारा अपने आहार को अपने भोजन को बहुत ही अलग तरीके से आप जैसे भी चाहें वैसे मॉडिफाई हो जैसे भी चाहें बना सकते हैं ठीक है सही जवाब इसका डी हो जाएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से आ, निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का लाभ है मतलब कि फायदा है ठीक है तो इनमें से जो आहार आयोजन का जो लाभ है वो है धन का सदुपयोग करना कार्य का सरलीकरण समय का सदउपयोग तो आहार आयोजन के लाभ हैं इसलिए सही जवाब डी होगा क्योंकि ये सभी आहार के लाभ हैं ठीक है आहार आयोजन के इसलिए सही जवाब डी होगा अगला कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है यहाँ पर प्रमुख तत्व की बात हुई है वहाँ पर नहीं है यहाँ पर है की बात हुई इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मालूम है तो चलिए देखते हैं किन कौन मालूम बताइए कमेंट सेक्शन में आप सभी ओके चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट को मालूम है नेक्स्ट क्वेश्चन ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन की प्रक्रिया का चरण है तो इनमें से जो आहार यानी कि भोजन जो है इसका नियोजन का जो एक प्रक्रिया का जो चरण है वो है ए, परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी लेना जानकारी करना और अगला है कि पोषक तत्वों के स्रोत की जानकारी तथा उसे उपयोग करना मतलब कि किस में कितना पोषक तत्व है कितनी मात्रा में इन सब चीज़ के बारे में जानकारी भोजन में कौन से चीज़ बन रही है उसमें कितने मात्रा में प्रोटीन है कितने मात्रा में पोषक तत्व है क्या कैसे इसकी सब जानकारी और अगला है कि खा खाद्य वर्गों या समूहों को ध्यान में रखना ठीक है खाने वाली चीज़ों को और जो समूह है इन सबको ध्यान में रखते हुए ठीक है प्रोसेस ये जो है प्रक्रिया जो है इसका चरण है ये इसलिए इसका सही जवाब इनमें से सभी होंगे क्योंकि आहार नियोजन की प्रक्रिया के जो चरण हैं ये सभी हैं इसलिए सही जवाब डी होगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार आयोजन का चरण नहीं है इसमें से कह रहा कि आहार आयोजन का चरण जो नहीं है वो है आर्थिक स्थित नहीं है बाकी सभी हैं ध्यान रखेंगे अगला कि आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल तरीका कौन सा है फिर उपाय कौन सा है तो आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे जो सरल उपाय है वो आपको बताना है तो जो सबसे ए, सरल उपाय है वो है आहार तालिका तैयार करना आहार तालिका का मतलब आप लोग समझते हैं जैसे कि आपने प्राइमरी स्कूलों में देखा होगा वहाँ पर लिखा रहता कि सोमवार को ये खाना बनेगा रोटी सब्जी बनेगी मंगलवार को दाल चावल बनेगा बुधवार को सब्जी रोटी बनेगी और बृहस्पतिवार को पूड़ी सब्जी बनेगी ठीक है शुक्रवार को तहरी बनेगी और शनिवार को कढ़ी चावल बनेगा तो इस तरह आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूल में तालिका यानी कि टाइम मतलब कि टेबल बनी होती है उसमें लिखा रहता कि इस दिन में ये चीज़ बनेगी उसी तरह यहाँ पर भी बात हो रही है उसी चीज़ की कि आहार तालिका तैयार करना कि कौन से दिन कौन सा भोजन बनेगा ठीक है तो ये आहार नियोजन को व्यवहारिक रूप देने का सबसे सरल तरीका है ठीक है ध्यान रखेंगे क्योंकि आहार नियोजन का मतलब ही होता है कि पर्याप्त तो पोफड़ देने की योजना बनाना मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना बनाना बनाने की योजना करना ठीक है प्लानिंग करना अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है तो भैया आहार नियोजन का मतलब सिंपल से यही होता है कि आपको पर्याप्त पोफड़ वाली चीज़ें बनाने का योजना करना या फिर आप कह सकते हैं कि पर्याप्त पोफड़ देने की योजना बनाना ठीक है तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपको बताना कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं अपनी राय जरूर दिया करिए ठीक है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका नंबर हो जाएगा डी नंबर क्योंकि ये सभी हैं इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा क्योंकि ये सभी हैं अगला कि आहार नियोजन का उद्देश्य क्या है तो आहार नियोजन का उद्देश्य यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन का उद्देश्य है और यहाँ पर कह रहा है कि आहार नियोजन का उद्देश्य क्या है हाई क्वेश्चन सिमिलर ही मतलब एक ही है, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं बस तो इनमें सही जवाब हो जाएगा पौष्टिक का तथा विविधतापूर्ण भी आहार उपलब्ध करना तो आहार नियोजन का उद्देश्य होता है मतलब होता है कि अच्छा खाना बनाना पौष्टिक जिसमें पोषक तत्व हो ठीक है पर्याप्त पोषण पत्व हो मतलब कि पर्याप्त तो पोषण तत्व तो हो ठीक है उस खाने की योजना बनाना वो चाहे जो भी चीज़ हो ठीक है विभिन्ध तरीके से बनाना जिस हिसाब से इस जिसका रुचि है उस हिसाब से बनाना ठीक है इसलिए सही जवाब सी होगा अगला कि दैनिक आहार यानी कि रोज़ जो हम खाना खाते हैं उसमें सभी आहार समूहों के भोज्य पदार्थों को प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में क्या लाई जा सकती है तो ध्यान रखेंगे इसका तो सही जवाब हो जाएगा हो जाएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सही जवाब हो जाएगा ये सभी क्योंकि दैनिक आहार में सभी आहार जितने भी आहार होते हैं समूह उनके भोज यानी कि जो भोजन करने वाले पदार्थ होते हैं उनका प्रतिदिन प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में आहार में विविधता लाई जा सकती बदला जा सकता है गृहिणी को ज़्यादा सोच विचार तथा गणना नहीं करनी पड़ती है संतुलित आहार उपलब्ध हो जाता है तो ये सभी हैं इसलिए सही जवाब डी होगा ध्यान रखेंगे अगला कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार के लिए क्या आवश्यक है इन ऑप्शनों में से तो संतुलित और पौष्टिक आहार के लिए ज़रूरी है आहार नियोजन करना मतलब कि आप तभी अच्छा खाना बना सकते हैं संतुलित पौष्टिक विभिन्न तरीके का जब आपको उस चीज़ के बारे में पर्याप्त जानकारी रहेगी तो पर्याप्त जानकारी आपको आहार नियोजन के माध्यम से बनेगी ठीक है क्योंकि इसका मतलब होता है कि खाने का नियोजन करना मतलब कि योजना बनाना कि आपको पर्याप्त पोषण मिल सके इसलिए सही जवाब सी होगा अगला कि आहार में विभिन्नता लाने का अर्थ मतलब विभिन्न तरीके का अर्थ मतलब लाने का मतलब क्या होता है अर्थ क्या होता है तो विभिन्नता लाने का अर्थ होता है कि एक ही खाद्य समूह में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनना मतलब कि खाद्य खाने वाले चीज़ों का एक समूह होता है और उसी समूह में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ चुनना सिलेक्ट करना ठीक है अगला प्रश्न है कि आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसी तरह के प्रश्न तमाम मतलब कि तमाम तरीके के पूछे जाएंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे लेकिन आपको ध्यान रखना है तो आहार नियोजन का सिंपल से मतलब है संतुलित आहार का आयोजन करना मतलब अच्छे परफेक्ट भोजन की तैयारी करना योजना बनाना ठीक है ध्यान रखेंगे मतलब आहार नियोजन का सिंपल सा मतलब है कि खाना बनाना खाने मतलब कि खाना की योजना करना ठीक है खाना बनाने की योजना करना अगला प्रश्न है कि आहार नियोजन करते समय ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं तो आहार नियोजन करते समय मतलब खाना बनाने की प्लानिंग करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना जरूरी होता है तो ध्यान रखेंगे आपको व्यक्ति की रुचि यानी कि व्यक्ति क्या खाना चाह रहा है उसका इंटरेस्ट क्या है उसका बजट बजट मतलब कि कौन सी चीज़ सस्ती है कौन सी महंगी है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके पास किस प्रकार का बजट है अच्छे पैसा है तो मटर पनीर बना के खा लीजिए अगर मान लीजिए कम बजट है तो भाई आलू टमाटर ही चल जाए कोई बात नहीं तो इस बात को ध्यान रखना है समय तथा भोजन की मात्रा मतलब कि किस समय भोजन किया जाता है और भोजन कितना किसको देना है इस बात को भी ध्यान रखना होता है उस हिसाब से बनाया जाता है उस हिसाब से प्लानिंग की जाती है कि हाँ ये मा इस मात्रा में ये व्यक्ति खाता है और इस समय खाता है तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होता है इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा डी नंबर इनमें से सभी अगला है कि उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार आ, के सभी सदस्यों की रुचि और अरुचि यानी कि इंटरेस्ट यानी कि जिसकी रुचि है जिसकी इच्छा है और जिसकी नहीं इच्छा है ठीक है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना कहलाता है आहार नियोजन सिंपल सी बात है आहार नियोजन का मतलब ये होता है कि बजट को ध्यान में रखते हुए परिवार को संतुलित और पौष्टिक आहार भी मिल जाए ठीक है तो उस योजना को हम आहार नियोजन कहते हैं ठीक है अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि भोजन की सातो, भोज, आ, के सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थ की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक पौष्टिक तत्वों एवं उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएँ तो उसे क्या कहते हैं हालाँकि महत्वपूर्ण है इसलिए इसको इग्नोर ही करेंगे अगर आएगा ना एग्जाम में अगला कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन को प्रभावित करता मतलब कि कौन सा जो है वो आहार नियोजन यानी कि खाना जो बनाया जाता है उसकी जो योजना बनाई जाती है खाना बनाने की योजना उसको कौन सा प्रभावित करता है इन अफसरों में से कौन सा चीज़ है ठीक है तो सही जवाब हो जाएगा परिवार की संरचना परिवार के सदस्यों की संख्या परिवार के सदस्यों की रुचि ठीक है ये सब प्रभावित करते हैं मतलब कि ये इम्पैक्ट डालते हैं इनको ध्यान में रखते हुए कोई चीज़ की जा सकती है इसलिए सही जवाब डी होगा अगला की निम्न में से कौन आहार नियोजन का सिद्धांत है तो इनमें से जो आहार नियोजन का जो तो सिद्धांत है वो है समय की बचत करने वाला परिवार के सदस्यों की रुचि आहार का समय निश्चित हो भाई आहार का यानी खाने की योजना बनाएंगे तो योजना का मतलब यही हो गया कि आप समय रहते कम समय में परिवार की जो इंटरेस्ट है जिसको जो खाने की उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप कार्य कर रहे हैं तो वही हो जाता आहार नियोजन जा, सही जवाब डी होगा उपयुक्त में से सभी अगला कि दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं इन में से तो दूध से क्या क्या बनता है आप सभी को मालूम ही होगा अच्छे से तो भाई दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और ख़ास करके इन ऑप्शनों में से जो दिया गया है भाई खोया भी दूध से ही बनता है पनीर भी दूध से बनती है दही भी यानी कि ये सभी चीज़ें दूध से ही बनती हैं इसलिए सही जवाब डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी अगला द्वितीय समूह में पदार्थ कौन कौन से आते हैं मतलब द्वितीय समूह में कौन से पदार्थ आते हैं इन ऑप्शन में से तो द्वितीय समूह में जो आते, आते हैं वो मांस मछली आती है ध्यान रखेंगे और जो षष्ठ समूह है इसमें जो पदार्थ आते हैं वो आते हैं आटा रोटी ब्रेड और आटा रोटी ब्रेड ये सभी आते हैं फिलहाल सही जवाब डी हो जाएगा खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं खाद्य पदार्थ के समूह आते हैं कितने तो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको जिन समूहों में डिवाइड किया गया उनकी संख्या जो है वो सेवन है सात है ठीक है जिसमें से सस्टम तो आपने जाना ठीक है और द्वितीय भी जाना और भी आगे, आगे आप जान जाएंगे ठीक है अगला प्रश्न है कि हमें सबसे शीघ्र ऊर्जा मिलती है किस चीज़ से अगर हमको तुरंत और सबसे फास्ट अगर ऊर्जा चाहिए इन ऑप्शनों में से तो वो चीज़ आपको देगी ग्लूकोज सही जवाब हो जाएगा अभी जो आप ग्लूकोज़ चढ़वाते हो इसी की बात हो रही है डॉक्टर के पास अगला कि सब्जी भाजी किन भोज्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं तो सब्जी जो भाजी है ये सभी रक्षात्मक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ए नंबर सही जवाब अगला किन में से कौन सा आहार संपूर्ण है मतलब कि पूरा संपूर्ण मतलब एक कंप्लीट आहार है तो दूध है इन ऑप्शनों की बात हो रही है तो इन ऑप्शनों में से जो दूध है वो पूरा संपूर्ण आहार है अगला है कि भोजन में ऊर्जा का साधन क्या है इन आसनों में से तो भोजन में जो ऊर्जा का साधन है वो कार्बोहाइड्रेट है ध्यान रखेंगे अगला कि भारतीय स्वास्थ्य संगठन आई सी एम आर ने समस्त पोषक तत्वों की सुचारू पूर्ति के लिए भोज पदार्थों के समूह निर्धारित किए हैं कितने तो इन्होंने तो पाँच इन्होंने तो निर्धारित किए हैं पाँच इसलिए सही जवाब बी होगा ठीक है ये जो निर्धारित किए हैं भारतीय स्वास्थ्य संगठन आई सी एम आर ने समस्त पोषक तत्वों को सुचारी सुचारू पूर्ति के लिए पांच समूह निर्धारित किए ध्यान रखेंगे बी नंबर सही जवाब होगा अगला कि अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने भोज्य पदार्थ के कितने मौलिक समूह निर्धारित किए हैं तो ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी ठीक है।, है अलग अलग जो सेंटर हैं रिसर्च सेंटर जो अलग अलग माने हैं अभी यही क्वेश्चन आपने देखा था भारतीय स्वास्थ्य संगठन आई ने पाँच माने वहीं पर अमेरिका के नेशनल रिसर्च काउंसिल ने सात माने इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा सी नंबर अगला है कि भोजन हो सकता है क्या तो भोजन हो सकता है शाकाहारी मांसाहारी इसलिए सही जवाब सी होगा क्योंकि भोजन दोनों प्रकार के हो सकते हैं अगला एक निर्णय से कौन सा भोजन का कार्य है तो भोजन का कार्य जो होता है आप सभी को मालूम ही होगा भोजन का कार्य होता है ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न करना शरीर में वृद्धि एवं विकास में सहायता करना शरीर की टूट फूट चीज़ों yes. की मरम्मत करना तो इन सभी में भोजन का कार्य होता है भोजन के ये सब मतलब कि भोजन के माध्यम से इन सभी की पूर्ति होती है इसलिए सही जवाब डी होगा अगला कि हमारा भोजन कितने भागों में बटा होता है तो ध्यान रखेंगे हमारा जो भोजन होता है यानी कि जो हम खाता खाते हैं ये जो डिवाइड होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा भोजन भागों में बटा होता है बी नंबर सही जवाब होगा अगला कि भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है या शरीर का निर्माण करता है व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है ये सभी चीज़ें करता है इसलिए का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगला कि सुरक्षात्मक तत्व की, की पूर्ति के साधन कौन से हैं तो सुरक्षात्मक तत्वों को पूर्ति के जो साधन हैं वो हैं जल खनिज लवण विटामिन इसलिए सही जवाब डी होगा अगला है कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या हैं तो भोजन के मनोवैज्ञानिक जो कार्य हैं ध्यान रखेंगे भोजन के मनोवैज्ञानिक जो कार्य हैं वो भावनाओं को व्यक्त करना ठीक है संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना और मानसिक तनाव कम करना ये सभी इसलिए सही जवाब डी होगा ये सब भोजन की मनोवैज्ञानिक कार्य हैं अगला है कि शरीर शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ तो शरीर की वृद्धि व विकास करने वाला पदार्थ जो प्रोटीन है इन ऑप्शनों आपस, में से प्रोटीन सही होगा ऊर्जा उत्पादक का जो तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों से ऊर्जा मिलती है अगर अगला प्रश्न है कि इनमें से भोजन के कार्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत आता है मतलब कि भोजन के जो कार्य होते हैं इनका वर्गीकरण किसके अंतर्गत आता है तो ये आता है भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य के अंतर्गत भोजन के सामाजिक कार्य के अंतर्गत भोजन के शरीर भोजन के शरीर क्रियात्मक कार्य के अंतर्गत इसलिए सही जवाब डी होगा अगला कि आई का पूरा नाम क्या है तो ये रिफर्च सेंटर है और इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ठीक है काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसलिए सही जवाब डी होगा आई सी एम आर का पूरा नाम है ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे और आने वाली वीडियो में और भी क्वेश्चन प्रस्तुत करेंगे इसी तरह धीरे धीरे तैयारी कराएंगे आप लोगों की और जल्द ही हमारी और भी हंड्रेड क्वेश्चन आंसर की क्वेश्चन वीडियो बी, आएगी और विधतर तरीके से तैयारी कराई जाएगी क्योंकि आपका अपना ही चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी कोई क्वेश्चन जरूर पूछें जितना हो सकेगा हम आपको पूरी हेल्प करेंगे बाकी मिलते हैं गोने वीडियो में जय हिंद